आई ऑल्सो बिलोंग टू, जब मैं पढ़ रहा था आई ऑल्सो बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली यू कैन से सो। हम रेंट के एक घर पे रहते थे और उसमें भी रेंट का सिर्फ एक ही रूम था, मतलब ऐसा नहीं है कि टू रूम सेट था, थ्री रूम सेट था, किचन भी उसके साथ ही था। तो ऐसे रूम में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब जहाँ पर आपका ब्रदर भी हो, सिस्टर भी हो, मॉम डैड भी हो, या बाहर से भी गली वगैरह से आवाज़ आती रहे, आलू ले लो, प्याज ले लो एंड सो ऑन। क्योंकि साउंड एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही आती है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, दिमाग उस साउंड की तरफ चला जाता है और आप जो है आप पढ़ नहीं पाते हैं। एक डिवाइस आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंपल, दैट इज़ एयर प्लग्स। एयर प्लग्स जो है ये कुछ ऐसे दिखते हैं, मैं भी इन्हें यूज़ करता आया हूँ पिछले लगभग 25 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय 10 रुपए के मिलते थे, उस समय अमेजोन वगैरह नहीं थी, मेडिकल शॉप से मिलते थे, आज भी शायद केमिस्ट की शॉप से मिल जाए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे एयर प्लग्स फॉर स्टडी, अमेजोन वगैरह का लिंक आ जाएगा। 10 का पैकेट शायद 150-200 रुपए का मिलता है, ठीक है। आप इसको यूज करिए, ये बाहर के साउंड को 90-95% रिड्यूस कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ 25 सालों से। एक आध महीना यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन ना हो जाए, फिर नया पैकेट खोल लेते हैं। इसको एक इसकी प्रॉब्लम है क्या, इसको सीख लीजिए कैसे यूज़ करना है। ये आपने पैकेट खोला, पैकेट खोलने के बाद आपने इसे निकाला, बीच में से ये अलग किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रबड़ का बना हुआ है, ये रबड़ का बना हुआ है, पहले इसको पूरा पिचका लेना है, मतलब कि यूज प्रेशर ऑफ योर हैंड और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिए, बिल्कुल पतला कर लीजिए, पतला कर लीजिए, और फिर हाँ क्लास खत्म हो गई है आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसे अपने कान के अंदर डाल के प्रेस कर दीजिए, कान के अंदर डाल के प्रेस कर दीजिए, ऐसे थोड़ी देर प्रेस रखिए 10-15 सेकेंड, क्योंकि आपने उसे पतला किया था, अब वो कान के अंदर जब चला जाएगा तो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। अब इस वाले एयर से मुझे कुछ खास साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। सिमिलरली ये भी लीजिए, पहले पूरा पतला कर लीजिए और उसी टाइम, टाइम नहीं देना, उसी टाइम अपने एयर में डाल के, एयर के अंदर डाल के ये थोड़ा पुश कर लीजिए इसे, ठीक है। डीपीपी कॉपी में लगा लो, कर सकते हो, पर ज्यादा सुंदर सुंदर मत करना, ठीक है। और ये देखिए अब बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, मोर देन 90-95% साउंड। बच्चों को ये लगाना नहीं आता, इस कारण उन्हें लगता है इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव है। इसे यूज करके देखिए, इसे यूज करके देखिए।